वेलकम बैक गाइस, ट्राई सिटी क्रिकेट में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ टोरनेडोस वर्सेस सॉफ्ट ट्रिक क्रिकेट क्लब, सेकंड इनिंग 159 और दोबारा चेज कर दिए हैं चंडीगढ़ टोरनेडोस ने। देखिए आज देखते हैं कौन खेला है कौन नहीं खेला। और वैभव जी और पहली गेंद हो रही है बाहर, पहली ही गेंद। ये वैभव जी आपसे उम्मीद नहीं थी। और अब मेरे फेवरेट प्लेयर राहुल जी आए हैं, जरूर देखना आज। ये तो अच्छा, इसीलिए फेवरेट नहीं है मेरे। अरे ये और ये मान भी नहीं रहे हैं राहुल जी, लग गई है बॉल, बड़ा एज लगा रहे यार। शायद उनका बैट नीचे लग गया, आज आपकी जरूरत थी। और आप और नितिन जी आए और मुझे लगा ये भी गए। नहीं, ये क्या किया नितिन जी ने, क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं ये बॉलर। ये देखिए क्या नाम है इनका, नाम जरूर अगर पीठ दिखाएं तो मैं जरूर इनका नाम शाउट आउट देना चाहेंगे। बहुत शानदार स्टार्ट दिया इन्होंने, दो मुख्य बल्लेबाज चंडीगढ़ टोरनेडोज के। नाम नहीं पढ़ पाएंगे आप आज, नहीं पढ़ पाएंगे आज इनका, चलिए कोई बात नहीं। और ये परम उपल जी ने बहुत ही अच्छे प्लेयर बल्लेबाज हैं, ये बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ टोरनेडोज कभी कभी खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं जब भी खेलते हैं। ये देखिए आप, देखिए चौका मार दिया। और ये देखिए पैर इनका भी स्लिप कर रहा है, थोड़ा गिल्ला है यहाँ पर। नितिन जी आए हैं, नितिन जी तो दूसरे एंड पर। और रे क्या गेंद की, और ये निराश एज क्यों नहीं लगा, कोई भी बॉलर निराश होता। क्या गेंदबाजी की है, और ये देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉट मारा है 4 रन के लिए। और ये देखिए नितिन जी तो आज सिंगल डबल, आज नहीं, आज ने पता है, आज ने संभल कर पारी खेलनी पड़ेगी। जब नहीं भी पता होता तब भी ये संभल के ही खेलते हैं। अरे यार क्या गेंदबाजी कर रहे हैं बबलू जी, डब्लू। और ये देखिए नितिन जी संभल गए, संभल गए नितिन जी, क्या क्या किया कर दिया आपने। और ये कुल्लू जी आए, अरे इस गेंदबाजी के सामने अगर राहुल जी नहीं टिक पाए तो और क्या कोई टिक पाएगा। हर्ष जी मेरे फेवरेट प्लेयर वही कमाल करेंगे, मुझे नहीं लगता है, आपको ना लगे बट आपको मैं बता रहा हूं। और ये देखिए कॉटन बॉल, काफी कुल्लू जी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, धीरे खेलते हुए। और आ गए मेरे फेवरेट प्लेयर। और ये देखिए परम उपल जी खेलते हुए 4 रन। पुल बोलेंगे इसे। दीनपाल जी दूसरी सॉफ्टवेयर एवेंजर से भी खेले थे और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, काफी अच्छी बॉल की। और बहुत ही अच्छी गेंद, कम से कम 5-6 एजेस निकल चुके हैं अभी तक और 4-5 एज के पास से बॉल निकल। और आप देखिए मैंने पहली टीम देखी जो 2 स्लिप लेके खड़ी है। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत जल्द हटने वाली है शायद क्योंकि हर्ष जी आ गए हैं। परम उपल जी मारेंगे अब। और ये देखिए मैं बोल रहा हूँ हटने वाली, क्योंकि परम उपल जी बहुत शानदार एग्रेसिव प्लेयर है, मैंने इन्हें देखा है 1-2 बार खेलते हुए, बहुत शानदार प्लेयर हैं ये। देखिए कैसे हर्ष जी को बता रहे थे, सिखा रहे थे। और ये देखिए, अरे वाह, बहुत शिखर धवन नहीं, ऋषभ पंत की तरह मारा है। बस ये अपने राइट हैंड बैट्समैन है और ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पर फर्क कोई नहीं, दोनों की प्लेइंग सेम। और ये देखिए सच में फर्क कोई नहीं है, एज एंड गॉन। डब्ल्यू जी ये थोड़ी जल्दबाजी कर गए, बहुत शानदार बल्लेबाज थे लेकिन पता नहीं हर बॉल हिट करने की। और ये विक्रम पठानिया जी आए हैं, आज इनका स्तर थोड़ा ऊपर कर दिया टीम ने, नहीं तो ये 9वें 10वें नंबर पे आते हैं। और ये देखिए, ये देखिए हर्ष जी भी हो गए थे आउट। नहीं, एक दो गेंदे लेते हैं सोचने के लिए, उसके बाद ये देखिए, अरे वाह अच्छा शॉट मारा है इन्होंने। ये देखिए रीप्ले देखिए आप, वाइड एंगल व्यू देखिए। और ये देखिए, ये देखिए 4 रन। और ये देखिए फील्डर भागता ही रह गया, फील्डर ने शॉट बोला, बहुत कुछ तो दम था। नहीं दम बहुत है इनमें, आप ही नहीं मानते हैं, मैं तो, मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं इनके। मैं फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत जल्द ये हमारे साथ, मेरी रिक्वेस्ट है हर्ष जी को, आएंगे और हमें बताएंगे कि ये शॉट से कैसे खेल सकते हैं और कैसे खेलें आप भी। अरे और ये देखिए ये भी सिखाएंगे, क्या शॉट, ये भी, ये भी दिखाएंगे, स्टैंड एंड डिलीवर, बस यही सिखाएंगे स्टैंड एंड डिलीवर कैसे करना है, शानदार। और ये विक्रम जी साथ में, विक्रम पठानिया जी, इनका भी थोड़ा सा डाउन ऊपर किया है, बहुत ही आक्रामक प्लेयर हैं ये, बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगल डबल और जब मारते हैं तो बहुत खुलकर मारते हैं, बहुत खुलकर मारते हैं, बहुत शानदार। ये देखते हैं नकली बॉल में क्या होगा। और इनका स्टैंड ये बड़े अलग आड़े ढंग से खड़े हैं ये अंदर क्रीज के, जब अब बॉलर बॉल करेगा देखना, ये देखिए लेंगे नहीं, देखिए 1 रन के लिए भाग गए हैं, काफी अच्छा खेले इस दिन सौरभ पठानिया जी, देखते हैं बाकी आगे। सौरभ नहीं, विक्रम पठानिया, सौरभ पठानिया जी तो बॉलर हैं, बल्लेबाज भी हैं वो, शानदार बल्लेबाज हैं वो। और ये देखिए,
हर्षजी, ये देखिए हर्षजी ने क्या स्टेट मारा है, क्या देखिए, बहुत बढ़िया खेलते हैं, शानदार शॉट इसी के लिए, इसी के साथ एक रन के लिए। और ये विक्रम पठानिया जी आगे जी, और ये देखिए, देखिए शॉट बहुत जोर इनके बाजुओं में। इनके साथ कुश्ती मत कीजिएगा कभी। एक बार की थी शायद अमन चीमा जी ने मजाक में कुश्ती, और इन्होंने उन्हें चौक स्लैम मार दिया। चौक स्लैम नहीं, क्या बोलते हैं उसे, धोबी पछाड़। और ये देखिए मेरे ये शॉट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हर्ष जी के बल्ले से ही नहीं, किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से मुझे बहुत अच्छा लगता पर है। कोई और बल्लेबाज कर नहीं रहा है ऐसा, क्या शानदार। राहुल जी करते हैं, राहुल जी के नहीं करते हैं आप यही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है राहुल जी में, वो खेलते ही नहीं है। ये देखिए आज ये शॉट, वैसे हर्ष जी खेलते नहीं है, नहीं खेलते हैं, बट इनको लगा कि चलो खेल देते हैं। और ये देखिए विक्रम जी बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन ले लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती ये आपके फेवरेट प्लेयर के बारे में, फील्डिंग में इनसे हिला नहीं जाता और बैटिंग में मैंने इन्हें बहुत बार देखा, ये बहुत तेज भागते हैं। और ये शॉट की मैं बात करना चाहूँ, मैं आपको जवाब दूंगा, बट ये देखिए कितना तगड़ा शॉट मारा विक्रम जी ने 4 रन के लिए। यही बोला था कि जब ये मारते हैं तो बाजुओं का पूरे जोर का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए ये क्रॉस बैट, ये ऑफ की बॉल, अगर इन्हें बॉल आ जाए इनके पाले में तो ये नहीं छोड़ेंगे, तो ये ग्राउंड के बाहर जो ग्राउंड है उसके भी बाहर मारेंगे। बहुत जान है इनकी बाजुओं में, और इनसे चाहकर भी लड़ाई ना करें। हाँ जी कभी भी नहीं। हाँ तो आप जवाब नहीं, आप मैं जवाब दे रहा था कि हर्ष जी है मेरी इनसे गुफ्तगू, इनको सुबह लगती है ठंड। जब बैटिंग करते हैं ना तो भागते हैं, भागने से इनके शरीर में गर्मी आ जाती है। तो इन्हें मेरी तरफ से बोलिएगा कभी अगर मिलेंगे, वैसे तो मैं इनसे मिलना भी नहीं चाहूंगा जिस हिसाब से इनका इंटेंट है बिल्डिंग में, पर मैं आपको एक बार बोलूंगा इन्हें बोलिएगा कि फील्डिंग में भी थोड़ा भाग लिया नहीं, मैं जरूर कहूंगा। हर्ष जी अगर आप हमारी ये वीडियो देखें तो देखिए डब्ल्यू जी बहुत बोल रहे हैं मुझे, 4 रन, तो आप प्लीज विक्रम जी ने दूसरा चौका, फील्डिंग में इंटेंट दिखाएं। शॉट, क्या बात है, विक्रम जी अभी अभी आए हैं। और ये अरे अमन चीमा जी, विक्रम जी शायद आउट हो गए, वो मुझे अमन चीमा, हम बातों में विक्रम जी आउट हो गए थे, वो अमन चीमा जी थे। ठीक है, बहुत शानदार, अरे वाह, ये देखिए अमन चीमा जी और विक्रम जी सेम ड्रेस पहन के आते हैं। बस हर्ष जी की कि ये आड़ा तिरछा नहीं खेलते हैं, जितना हो सकता है सीधे बल्ले से खेलते हैं, और तभी शायद ये टिके रहते हैं, वरना ये भी, ये देखिए क्या शॉट मारा है, बहुत ही बढ़िया शॉट। ये देखिए क्या बात है, दर्शकों को हमें फिर बताना चाहूंगा कि बड़े ही कम समय में नेट प्रैक्टिस सेशन में हम हर्ष जी को देखेंगे ये प्रैक्टिस शॉट दिखाते हुए कि वो कैसे खेलते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है उस वक्त। अरे वाह, क्या शॉट मारा है इसी के साथ अमन चीमा जी ने, ग्रेट शॉट, ग्रेट स्वीप शॉट, आते ही तीसरी बॉल थी इनकी। बहुत बढ़िया खेलते हैं ये, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं चीमा जी, बहुत अच्छे स्तर के प्लेयर। और ये देखिए इस बल्ले में भी कुछ अलग बात है, काफ़ी लोग मैंने इस चंडीगढ़ टोर्नाडोज के प्लेयर इस बैट से खेलते देखे। अरे वाओ, व्हाट अ शॉट, ग्रेट शॉट, बल्ला तो कोई भी हो, हर्ष जी को देखिए किसी भी बल्ले से खेलें वो अच्छे तक तो मारते ही हैं, ग्रेट शॉट, कभी कभी मारते हैं, रोज नहीं, कोई बात नहीं, हम जरूर बताएंगे आपको स्टैट्स किस दिन चंडीगढ़ टोर्नाडोज के प्लेयर के, और आपको मैं फिर ये प्रूफ कर दूंगा डब्ल्यू जी की लगभग 10 50 11 50 मार चुके हैं। अरे और ये देखिए क्या स्कोर है, अरे नहीं नहीं, ये चीमा जी, ये अमन चीमा जी ने सैक्रिफाइस किया, तो और ये रन चेज में क्या हर्ष जी सैक्रिफाइस को कैश कर पाएंगे, नहीं जीत तो गई है चंडीगढ़, तो ये देखना चाहता हूं, और ये देखिए कर दिया, ओहो 6 रन, काफी लंबा मारा है ये शॉट भी, हम जरूर चाहेंगे सीखना हर्ष जी से, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा मारा है इन्होंने, बहुत बढ़िया खेलते हैं, आउट होते ही मुझे लगता है 2-4-5 बॉलों पर, ये देखिए शॉट है, अब अग्रेसिव मोड में आ गए हैं शायद, अब मैच खत्म करना चाहते हैं और मैच रोमांचक होता जा रहा है तभी ये हिटिंग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके रनों और बॉलों में गैप कम कर दिया जाए। ये और इसी देखिए, और इस टाइम के लिए अगर कोई बल्लेबाज सबसे अच्छा है तो वो रमन जी और वो इस वक्त क्रीज में मौजूद है, और ये देखते हैं रमन जी और हर्ष जी मिलके क्या करेंगे, मैच जिताएंगे, हाँ मैच जिताएंगे, लेकिन कैसे जिताएंगे, मैं ऐसे, अरे वाह देखिए क्या छक्का मारा, ये 6 रन, ऑफ का बहुत ही अच्छा शॉट मारा ये, उम्मीद नहीं थी कि ये छक्का जाएगा, काफी पर बैट बहुत अच्छा, बैट बहुत अच्छा, और ये स्ट्रेट का, बहुत ही अच्छा शॉट लगता है मुझे, 3 छक्के मार दिए हैं,
मुझे लगता है इनको अमन चिमनी का आउट, अब अमन चिमे के आउट होने का इनको शायद दुख लग गया, दुख लगा जिस हिसाब से बैठे थे शायद दुख तो लगा ही होगा। एक वीडियो और है रिवेंज स्टोरी की, अगर आप दर्शकों को बताऊंगा कि देखना चाहे देख सकते हैं, हर्षजी ने उसमें भी रिवेंज लिया है। ये तब से ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मैंने देखी थी वो वीडियो, काफी रोमांचक है, रोमांचक है बहुत। और देखिए इसी के साथ शायद ये एक दो गेंदों का रह गया है मैच, ये देखिए ये चार रन, बहुत ही बढ़िया चार रन हो गया। और मैंने बोला था रमन जी इस सिचुएशन के लिए सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं चंडीगढ़, हेलमेट के अंदर भी टोपी पहन रखी है रमन जी ने, और ये खत्म, टोपी नहीं छोड़ते हैं और ये खत्म कर दिया बहुत। रमन जी पूरा रन तो भागना पड़ेगा अगर जीतना है, ये देखिए बहुत शानदार चंडीगढ़ टोर्नेडोस की विन, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया।